कभी भी इस तरह का सवाल रहेगा ना, यानी कि प्लस भी रहेगा, माइनस भी रहेगा, इंटू भी रहेगा, डिवाइड भी रहेगा, और ये ब्रैकेट भी रहेगा, यानी कि कोष्ट भी रहेगा, यानी कि खिचड़ी टाइप का सवाल रहेगा। ठीक है, यानी कि प्लस भी रहेगा, माइनस भी रहेगा, इंटू भी रहेगा, डिवाइड भी रहेगा, ब्रैकेट भी रहेगा, एक दो को इसमें माइनस भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि एक दो को माइनस, यानी कि एक दो कम ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि जरूरी है कि प्लस माइनस इंटू सब रह भी करेगा, एक दो को इसमें आप घटा भी सकते हो। बात समझे ना, यानी कि जब इस टाइप का सवाल सब रहेगा ना जिसमें ये सब चीज़ हो, एक दो को कम भी रहेगा तो चलेगा। ठीक है, तब आप एक नियम लगा देना, एक रूल लगा देना, क्या ये बोर्ड मास। ठीक, बोर्ड मास, BODMAS बोर्ड मास, इसको उल्टा पुल्टा नहीं याद करना है। पहले बी है तो पहले बी ए होगा। ठीक है, सीरियल बाय। ठीक, अच्छा, बी स्टैंड्स फॉर, यानी कि बी किसको प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, बी का मतलब क्या हो गया, ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी कि कोष्ट। तो ब्रैकेट भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले ये छोटी कोष्ट, इसको बोलते हैं छोटी कोष्ट या स्मॉल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट। ठीक, दिस इज द मजली कोष्ट, मजली कोष्ट यानी कि मिडिल ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट, इसको बोलते हैं बड़ी कोष्ट यानी कि बिग ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक, उसके बाद होता है ऑफ, ओ यानी कि ऑफ यानी कि का यानी कि गुना। ठीक है, ऑफ मतलब का मतलब गुना, का मतलब गुना। ठीक है, डी फॉर डिवाइड यानी कि भाग, एम फॉर मल्टीप्लाई दैट मीन्स गुना, ए फॉर एडिशन यानी कि जोड़, एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाओ। ठीक है, तो पहले बी है तो पहले बी होगा, उसको उल्टा पुल्टा आप नहीं, आपको नहीं याद करना। ठीक है, अच्छा, तो अब समझ गए ना इस टाइप का सवाल में क्या यूज करना है, कौन सा रूल, कौन सा नियम, कौन सा रूल, कौन सा नियम, ये वाला बोर्ड मास। ठीक, तो अब देखिए, सबसे पहले खोजिए ब्रैकेट यानी कि कोष्ट है, सबसे पहले तो क्वेश्चन उतारेंगे, सॉल्यूशन यानी कि दैट मीन्स हल देके क्या करेंगे, हल देके, हल भी लिख सकते हैं, सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन उतार देंगे। मैंने क्या बोला, प्लस माइनस सब रहेगा तो बोर्ड मास यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट, ब्रैकेट में ये छोटी कोष्ट है कहीं पर, हाँ है, तो फिर दे दीजिए इंटू, अब देखिए शुरू में कुछ नहीं है तो प्लस है। ठीक है, इसका प्रोसेस करेंगे, आपको घसना नहीं है समझाने के लिए, इसका सबसे पहले करेंगे, है ना, फॉर्मूला में यानी कि रूल में नियम में यह ना पहले है ब्रैकेट, तो उसका करेंगे। तो प्लस से छुपा हुआ तो प्लस प्लस प्लस, तो 5 3 8 यानी कि 5 3 8। ठीक, अच्छा, दोनों में से बड़ा, 5 5 का चिंजोर नहीं भी देंगे तो चलेगा, शुरू में कुछ नहीं रहता तो प्लस रहता है, फिर ये वापस से एज इट इज सेम टू सेम उतार देंगे। ठीक, अब इस लेंस आपको कोई लेना देना नहीं है, ये लेना आपको हो गया, इसका फिनिश हो गया काम। अब ये नया लेंस आपको मतलब है, इस वाला लेंस मतलब है, ऊपर जिस पर मैंने रेड पेन रखा है, ठीक है, उससे आपको कोई लेना देना है नहीं। ठीक, तो चला गया, उसका काम हो गया फिनिश। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए, बराबर दे देंगे, 3 है तो 3, फिर यहाँ पे इनटू, अभी दोनों को डिवाइड करेंगे, ये दोनों में डिवाइड लगेगा नहीं, लगेगा अभी तो डेसिमल हो जाएगा, उससे कैसे, देखिए ऐसे, ये 8 है, डिवाइड 6 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो है ये डिवाइड है ना, तो ये भी तो डिवाइडेड है ना। ठीक है, इसको ऐसे करके ये नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला कहाँ जाता है, यहाँ पर डिवाइजर में। ठीक है, और जो ऊपर आता है डिनोमिनेटर यानी कहाँ से, वो कहाँ जाता है, डिविडेंड में, यहाँ पर भाग करेंगे, भाग तो लगेगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं लगेगा, लेकिन डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप पोस्टपोन कर दीजिए। ठीक है, अगर ऐसे रहता तो आराम से ऐसे कर देते, ऐसे रहता तो आराम से ऐसे कर देते। ठीक है, फिर 20 रहता, 20 से 20 अच्छा रहता तो 5 कर देते, ये तो आसान है, इसे पूरा पूरी लग जाएगा। ठीक है, इसमें तो लगेगा ना, लगेगा तो डेसिमल में जाएगा, तो इसलिए इसको अभी नहीं करना। ठीक है, तो आप इसे तो लिख सकते हैं ना, 8 है तो 8। ठीक है, जब कभी भी भाग नहीं लगेगा ना तो आप ऐसे करके लिख देना, ये देखिए डिवाइड है, तो आप डिवाइड ऐसे कर दीजिए, डिवाइड ऐसे लिखिए की बात है। ठीक है, नीचे में 6 दे दीजिए, तो 8 है तो 8, यहाँ पे डिवाइड है तो ये डिवाइड, और 6 तो 6, माइनस 1। ठीक है, अब ये भी लेना आपका खत्म हो गया, इससे भी आपको कोई लेना देना नहीं है, दोनों लेन हो गया आपका फिनिश, फिर ये नया लेन हो गया। ठीक है, अब इस पर फोकस करिए, अब यहाँ पे देखिए, फिर देखिए भी तो है नहीं, वो भी तो है नहीं, डिवाइड को तो मैंने कर लिया प्रोसेस। ठीक है, एम मल्टीप्लाई है। हम एक बात बताइए, नीचे में कुछ नहीं तो एक नहीं भी देंगे तो चलेगा, नीचे में कुछ नहीं तो एक नहीं भी देंगे तो चलेगा। ठीक है, अब इसको काट दीजिए। ठीक है, काट दीजिए, इसको भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, 3 1 3 3 2 6 काट सकते हैं ना, फिर 2 1 2 और 2 4 8। ठीक, यहाँ पे देखिए, तो नीचे में एक है तो 1 को इंटू करेंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 1 × 1 तो 1, यानी कि 4/1 होगा ना, तो मैं नीचे में 1 नहीं लिखूंगा, मेरा मर्जी, मैं नीचे में 4 नहीं रखूंगा, मैं ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है ना, और प्लस तो छुपा हुआ है शुरू में। ठीक है, मेरा मर्जी, मैं प्लस भी नहीं दूंगा, नीचे में 1 भी नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए, यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या हो गया, इसको यहाँ पर मैं फिर से बताता हूँ, इसको मैं ऐसे करके कटाना,
नीचे में देंगे फिर भी ठीक है, नहीं देंगे फिर भी ठीक है। थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, टू वन जा टू, टू फोर जा एट, कितना आ गया फोर बाय वन, तो दैट मीन्स फोर वन हो, फोर वन हो। या तो आप ऐसे नहीं काटोगे तो ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो, एट बाय सिक्स, ऐसे भी टू फोर जा एट और टू थ्री जा सिक्स, ठीक है। फिर ये थ्री से थ्री कट गया तो फिर भी तो वही हुआ, चार आया, ठीक। फिर ये माइनस वन है तो माइनस वन, ठीक। फिर यहाँ पे वही बात, शुरू में प्लस है तो यहाँ पे देखिए प्लस ऊपर है तो प्लस माइनस वन, चार में से किया तो कितना हो गया तीन, तो थ्री, दैट मीन्स तीन आंसर हो गया।